मूवी स्टार्ट होती है और हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जिसके पेरेंट्स बाहर गए हुए थे। उसका नाम था साशा और उसे मैसेज के थ्रू पता चलता है कि आज वो जरा लेट आएंगे। वो अपना डिनर खुद बनाती है। डोर पर नॉक आया, ये और कोई नहीं, ये उसका फ्रेंड मार्कस था। मार्कस उसे अपने घर इन्वाइट करता है, उसका नेबर भी था। साशा उसके घर जाकर मार्कस की मॉम को सूप बनाने के लिए हेल्प करती है। वो सब डिनर करते हैं और मार्कस ने अपने डैड से कुछ पैसे मांगे ताकि वो साशा के साथ बाहर जाना चाहता था। उसके फादर भी इसके लिए उसे मना नहीं करते क्योंकि क्यूट सी लव स्टोरी स्टार्ट हो रही थी। इसके बाद वो कई जगह पर घूमने के लिए जाते और मजे करते। अब थोड़े सालों में वो बड़े हो चुके थे, उसे फिशिंग करना सिखा रहा था। तभी वहां पर मार्कस के डैड आए, उसे बताते हैं कि उसकी मॉम के एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। इसके बाद मार्कस बहुत सैड था। साशा को उसे ऐसा देखकर बहुत बुरा लगता है, उसे बाहर लेकर जाती है और इसके बाद वो कार में गाने सुनते हैं। साशा उसके करीब आकर उसे किस कर लेती है। इसके बाद उसने उसे सॉरी कहा। मार्कस को अच्छा लगा था और वो भी उसे किस कर लेता है। इसके बाद वो दोनों कार में इंटीमेट हो जाते हैं। बाद में वो बर्गर खाने के लिए गए। मार्कस साशा के हाथ पर हाथ रखता है और इस बात पर वो चिढ़ गए। मार्कस ने साशा से कहा कि वो कॉलेज नहीं जाने वाला। साशा कहती कि तुम तुम्हारी मदर की वजह से दुखी हो, इसी वजह से ये सब कह रही हो। मार्कस कहता कि वो मेरी मॉम थी, तुम्हारी नहीं, तुम ये सब समझ नहीं सकती। साशा भी उनसे क्लोज थे, इस वजह से उसे बुरा लगता है। वो गुस्से में यहाँ से चली जाती है और उसे कहती कि फिर से मुझे मिलना मत। इसके बाद कुछ टाइम गुजर चुका था। हम साशा को देखते हैं और वो एक सेलिब्रिटी शेफ बन चुकी थी। उसकी एंगेजमेंट एक ब्रैंडन नाम के बिजनेसमैन से हुई थी। वो अलग अलग रेस्टोरेंट्स मैनेज करता था। वो दोनों एक इवेंट में गए और सब लोग उनकी इंटरव्यू ले रहे थे। वो बहुत ही ज्यादा फेमस थे। पैरेलल में हम मार्कस को देखते हैं जो एक नॉर्मल आदमी की तरह अपनी लाइफ जी रहा था। अपनी मदर के डेथ के बाद से वो अब भी अपने फादर के साथ ही रह रहा था। गाड़ी में साशा ब्रैंडन को एक फ्लावर दिखा रही थी। उसे कहती है कि हमारी वेडिंग डेकोरेशन के लिए ये फ्लावर कैसा रहेगा। ब्रैंडन उसे यहाँ पर कह देता है कि हमें शादी पोस्टपोन करनी पड़ेगी। उसे इंडिया से एक ऑफर आया था और इसी वजह से उसे वो कंप्लीट करने के लिए जाना पड़ेगा। उसे शादी तो करना चाहता है पर सिर्फ अभी नहीं, 6 मंथ्स के लिए अब उसे जाना पड़ेगा। साशा को भी अपने काम के लिए सैन फ्रांसिस्को जाना था तो फिर वो मान जाती है। ब्रैंडन को लग रहा था कि 6 मंथ्स के लिए उन्हें अलग लोगों को ट्राई करके देखना चाहिए, यानी कि डेट्स पर जाना चाहिए। साशा को इस बात से बुरा लगता है पर फिर भी ये ट्राई करने के लिए रेडी थी। वो बेचारी अकेले रोने लग जाती है। ये सब बातें अपने फ्रेंड को बता रही थी। शेफ किचन में आई तो उसे देखकर रोना बंद कर देती है। शेफ उसे कहती है कि कभी भी किसी से प्यार मत करना। नेक्स्ट सीन में साशा अपनी फ्रेंड वेरोनिका के साथ सैन फ्रांसिस्को में शिफ्ट हो जाती है। वो यहाँ पर अपना रेस्टोरेंट ओपन करने वाली थी। यहाँ मार्कस और उसके डैड साशा के घर पर इलेक्ट्रिशियन का काम करने के लिए आते हैं। मार्कस के डैड मिस्टर किम ने वेरोनिका को देखा और उसे वो पहचान लेते हैं और उससे बात करने लग गए। मार्कस भी वहाँ पर आता है और वेरोनिका को देखकर सरप्राइज था। इसके बाद मार्कस साशा से मिलता है। बहुत सालों बाद मिल रहे थे इस वजह से मार्कस थोड़ा सा नर्वस था। वो थोड़ी सी बातें करते हैं और वहाँ पर मार्कस के डैड भी आ गए। उन्होंने साशा को उसके होने वाले हस्बैंड की एज पूछी। वो 50 ईयर्स का था और उन्हें लगता है कि एज गैप जरा ज्यादा है। रात में साशा वेरोनिका से कहती है कि तुमने मार्कस को क्यों बुलाया। वेरोनिका कहती है कि तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें और लोगों को डेट करना है। साशा कहती है कि मैं जिन्हें जानती नहीं ऐसे लोगों को मुझे डेट करना है। वो मार्कस को डेट नहीं करना चाहती है, उसे उसके साथ का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं लगा था। हम देख सकते हैं कि वो अब भी मार्कस पर गुस्सा आती है। नेक्स्ट डे मार्कस साशा के घर पर काम करने के लिए आया। साशा फोन पर बात कर रही थी तो मार्कस उसके साथ मजाक करने लगता है। इस बात पर साशा ने उसे क्लियर कर दिया कि यहाँ पर वो सिर्फ काम करने के लिए आया, ये सब नहीं चलेगा। काम खत्म होने के बाद मार्कस के डैड ने साशा को मार्कस के बैंड शो का पोस्टर दिखाया। वो कल होने वाला था और इसमें उसे इनवाइट करते हैं। साशा कहती कि अगर मुझे टाइम मिला तो मैं जरूर आऊंगी। उन्होंने उसे ये भी पूछा कि तुम दोनों तो बहुत ही क्लोज थे, उन्हें लगा था कि वो दोनों शादी करेंगे। मार्कस ये सुनकर उन्हें यहाँ से लेकर जाता है। रात में मार्कस साशा के बारे में ही सोच रहा था। उनकी एक बचपन की पिक निकाल कर उसे वो देख रहा था। नेक्स्ट डे साशा अपने रेस्टोरेंट पर काम कर रही थी तभी वहाँ पर उसके पेरेंट्स आ गए। वेरोनिका ने उन्हें बुलाया था तो ये उसके लिए सरप्राइज था। वो अपने पेरेंट्स से बात करती है और उसके पेरेंट्स उसके सक्सेस से बहुत ही खुश थे। पेरेंट्स ने उसे उसके कजन के बर्थडे पार्टी पर इन्वाइट किया। साशा उनसे कहती है कि उसे बहुत सारे काम है। रात में साशा अकेली डिनर बना रही थी तभी उसने मार्कस का बैंड शो का पोस्टर देखा। वो फिर वेरोनिका के साथ वहां पर चली जाती है। मार्कस का परफॉर्मेंस लोग बहुत एंजॉय करते हैं, साशा को भी बहुत अच्छा लगा। परफॉर्मेंस के बाद मार्कस उनके पास आया। मार्कस के बैंड का एक मेंबर जिसका नाम था टोनी आकर साशा से बात करने लगता है। वेरोनिका को जरा लेट हो गया था, वो प्रेग्नेंट है तो यहाँ से जल्दी से चली जाती है। मार्कस ने साशा को डिनर के लिए पूछा। साशा को कल सुबह जल्दी उठना था और इस वजह से उसे मना कर देती है। इसी मोमेंट पर वहां पर जेनी नाम की लड़की आ गई और मार्कस को किस कर दिया। एक्चुअली जेनी और वो 5 मंथ से रिलेशनशिप में थे।
ये देखकर साशा को जेलस फील होता है। जेनी ने साशा को देखा और वो बहुत ही एक्साइटेड थी, उसे अपने हाथों से खाना खिलाना चाहती थी। मार्गस कहता है कि साशा को जल्दी उठना है, पर अब साशा भी आने के लिए रेडी हो जाती है। जेनी ने अपना खाना साशा को खिलाया, पर साशा को थोड़ा सा भी पसंद नहीं आता। उसके सामने फिर भी उसे कहना पड़ता है कि बहुत ही टेस्टी है। साशा जेनी से पूछती है कि तुम दोनों मिले कैसे। उसे बताती है कि उसने एक दिन मार्कस का सॉन्ग सुना था, इसके बाद उससे उसे प्यार हो गया। डिनर के बाद मार्कस साशा को घर छोड़ने के लिए जा रहा था। वो टीनेजर में जो कार यूज करता था वही पुरानी कार उसके पास अभी भी थी, वो और भी ज्यादा खराब हो गई थी। साशा कार की बैक सीट को देखते हैं जहाँ पर वो इंटीमेट हुए थे। इसके बाद मार्कस साशा को ड्रॉप कर देता है। नेक्स्ट डे साशा अपने काम पर थी। उसने फेसबुक पर ब्रैंडन के एक इंडियन सेलिब्रिटी के साथ फोटो देखी है, देखकर वो जरा डिस्टर्ब हो जाती है। वो मार्कस के साथ चैटिंग करती है तो उसका मूड जरा ठीक होता है। इसके बाद वो दोनों हैंग आउट करते हैं। नेक्स्ट डे अपने कजन की बर्थडे पार्टी पर आए, यहाँ पर मार्कस भी आता है क्योंकि साशा ने उसे इन्वाइट किया था। ये सब बात कर रहे थे तभी उसे ब्रैंडन का कॉल आया। उसे कहता है कि मैं और भी बिजनेस बढ़ाना चाहता हूँ तो शादी जरा पोस्टपोन करनी पड़ेगी। साशा इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया कि वो बिजनेस को उससे ज्यादा इम्पोर्टेंस देता है। उसे बहुत जोर से झगड़ा कर लेती है और सब लोग उसे देखने लग गए थे। इसके बाद साशा और मार्कस एक रेस्टोरेंट में आते हैं। उसे ब्रैंडन के बारे में बताती है। ये वही रेस्टोरेंट था जहाँ पर वो हमेशा आया करते थे, इसे फिर वो एंजॉय करते हैं। बाहर आने के बाद साशा ने मार्कस को कहा कि तुम्हें अपने बैंड के लिए कुछ करना चाहिए, तुम बहुत टैलेंटेड हो, किसी अलग सिटी में जाकर तुम्हें अपने टैलेंट को ट्राई करना चाहिए। मार्कस ने पूछा कि वो ब्रैंडन का क्या करने वाली है। साशा ने कहा कि अब वो दूसरे लोगों को डेट करके देखेगी। मार्कस कहता है कि तुम अलग अलग डेटिंग ऐप ट्राई कर सकती हो। इसके बाद वो दोनों घर चले जाते हैं क्योंकि साशा को एक बड़े रेस्टोरेंट का केटरिंग करना था। अब इसके बाद रात में साशा को मिलने के लिए एक आदमी आया, पर उसका फेस हम नहीं देख पाते। नेक्स्ट डे मार्कस अपने डैड के साथ मसाज ले रहा था। मार्कस अपने डैड को जेनी के बारे में बताता है। वो कहता है कि वो बाकी लड़कियों से बहुत ही अलग है। मार्कस के डैड उसे कहते हैं कि कुछ दिनों से मैं तुम्हें साशा के साथ देख रहा हूँ, तुम्हें उसे डेट करना चाहिए। अगले दिन वो साशा से मिलने के लिए गया। उसे अपने दिल की सारी बातें बताने वाला था, पर साशा उसे कहती है कि मैं किसी से मिली, उसके लिए बहुत ही एक्साइटेड थी। मार्कस यहाँ पर कुछ कह नहीं पाता। इसके बाद उसे उसके साथ डबल डेट पर चलने के लिए कहती है ताकि उसके बॉयफ्रेंड से मिल सके। रात में सब लोग उसके बॉयफ्रेंड का वेट कर रहे थे और ये बॉयफ्रेंड और कोई नहीं तो कियानो रीव्स था। उन्होंने जॉन विक का कैरेक्टर प्ले किया था। अब सब लोग उसे वहां पर देखकर सरप्राइज हो जाते हैं। वो आकर फिर डायरेक्टली साशा को किस कर लेता है। इसके बाद सब लोग डिनर करने लग गए और वो बहुत ही अजीबोगरीब डिशेस मंगवाते हैं। मार्कस को कियानो पसंद नहीं आता क्योंकि वो कभी भी उसकी बराबरी कर नहीं सकता। कियानो यहाँ पर उसे थोड़ा सा नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। इस बात से मार्कस को बुरा लगता है तो साशा उसे कहती है कि कियानो उसे नीचा नहीं दिखाना चाहता, वो सिर्फ इस तरीके से ही बात करता है। कियानो ने कहा कि क्यों ना हम सब लोग मिलकर हमारे होटल पर जाए। उसके होटल पर जाते जो मैग्निफिसेंट था। यहाँ पर आइस ब्रेकर नाम का गेम खेलते हैं। ये ट्रूथ और डेयर जैसा ही होता है, पर इसमें चीट निकलती है। चीट में जो क्वेश्चन निकलता है इस पर उन्हें ऑनेस्टली एक एक कर आंसर देना पड़ेगा। ये गेम स्टार्ट होता है और पहले चीट में बचपन के क्रश के बारे में बताने के लिए लिखा हुआ था। साशा रिवील करती है कि उसे बचपन से मार्कस पर क्रश था। ये सुनकर मार्कस उसे कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। वो कहती कि वो बचपन की बात है, अब वो पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। अब यहाँ जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता है वैसे वैसे मार्कस और भी इरिटेट होने लग गया। उसे गुस्सा आ गया और गेम खेलने से वो मना कर देता है। कियानो फिर उसे एक डेयर देता है, कहता है कि तुम्हें एक चैलेंज करना पड़ेगा। मार्कस उसे पहले डेयर देता है कि फ्लावर पॉट से वो अपने सर पर तोड़ दे। कियानो सचमुच में ऐसा कर देता है। इसके बाद कियानो ने उसे डेयर दी कि उसे पंच करे। मार्कस ने एक्चुअल में उसे पंच कर दिया और इसके बाद उन दोनों में फाइट हो जाती है। ये सब देखकर साशा उसे अपने साथ लेकर जाती है। उनके साथ आज जेनी नहीं आना चाहती, वो कियानो को बहुत लाइक करती है और इसी के साथ रात बिताना चाहती थी। इसी वजह से मार्कस के साथ उसकी रिलेशनशिप टूट जाती है। गाड़ी में मार्कस और साशा भी झगड़ने लग गए। मार्कस उसे किस कर लेता है। मार्कस कहता है कि मुझे पता नहीं कि मुझे क्या हो गया था। साशा ने भी उसे किस कर लिया। इसके बाद वो दोनों घर जाकर इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में मार्कस का बैंड परफॉर्मेंस था। साशा भी इसे एंजॉय करती है। एक्साइटेड होकर अपने आसपास की लड़कियों को कहती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। वो एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा सा टाइम स्पेंड करते हैं। मार्कस साशा को थैंक यू कहता है कि जैसे वो पहले ही थी वैसे ही हमेशा रहने के लिए। साशा भी उसे थैंक यू कहती है, पहले जैसा उसे फील कराने के लिए। इसके बाद वो दोनों वेरोनिका की डिलीवरी पर जाते हैं। वेरोनिका को एक बेबी गर्ल हुई। इसके बाद वो मार्कस को बताती है कि वो न्यूयॉर्क में एक रेस्टोरेंट ओपन करने के लिए जा रही है। मार्कस कहता है कि मुझे लगा था कि तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रुकोगी। साशा ने कहा कि क्यों ना तुम भी मेरे साथ न्यूयॉर्क चलो, वहां पर उसके बैंड के लिए भी बहुत स्कोप रहेगा।
इसके बाद दोनों एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पर मार्कस एक रेन सूट ले लेता है। साशा वहां पर मीडिया के बीच में जरा बिजी हो जाती है। मीडिया को साशा ने अपने न्यू बॉयफ्रेंड मार्कस के बारे में बताया। मार्कस इस बात से एम्बेरस होता है क्योंकि एक नॉर्मल आदमी था। फिर से एक सीन में साशा उसे न्यूयॉर्क आने के लिए कहती है। मार्कस कहता है कि मेरे बैंड का एक ऑडिशन है, इस वजह से वो नहीं आ पाएगा। वो कहती कि ऑडिशन खत्म होने के बाद वो आ सकता है। मार्कस कहता है कि न्यूयॉर्क का काम खत्म होने के बाद तुम फिर से सैन फ्रांसिस्को आ सकती हो। साशा उसे कहती कि वो फिर से यहाँ पर नहीं आना चाहती। इस बात पर मार्कस को बुरा लगता है। दोनों में फिर से झगड़ा हो गया क्योंकि मार्कस अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ करना ही नहीं चाहता था। वो रियलाइज करता है कि साशा अब जरा ज्यादा ही बड़ी हो चुकी है, शायद वो उसे डिजर्व नहीं करता। साशा उसे आज के इवेंट में आने से मना कर देती है। मार्कस को कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। अगर ये सब जानने के बाद भी तुम मेरे साथ न्यूयॉर्क नहीं आना चाहते तो इस बात को मैं समझ सकती हूँ। मार्कस उसे न्यूयॉर्क आने के लिए मना कर देता है। साशा को इस बात से बहुत बुरा लगा। वो कार में बहुत रोती है। मार्कस भी इन सब बातों पर बहुत सोच रहा था। अब फाइनली साशा के जाने का टाइम आ गया था। वेरोनिका साशा को मार्कस से लास्ट टाइम बात करने के लिए कहती है ताकि बाद में उसे रिग्रेट ना हो। उससे बात करने के लिए रेडी नहीं थी। नेक्स्ट सीन में मार्कस अपने घर जाता है और वहां पर अपने डैड को कैथी नाम की एक लड़की के साथ देखता है। कैथी और उसके डैड एंजॉय कर रहे थे। यहाँ मार्कस और उसके डैड अकेले में बात करते हैं। मार्कस के डैड मार्कस से पूछते हैं कि क्या साशा न्यूयॉर्क चली गई। डैड ने पूछा कि तुम उसके साथ क्यों नहीं गए। मार्कस कहता है कि अगर मैं चला जाऊंगा तो आपका ध्यान कौन रखेगा। उसके डैड कहते कि तुम्हें जाना चाहिए। रही बात ध्यान रखने की तो खुद का ख्याल रख सकते हैं। नेक्स्ट सीन में मार्कस ड्रंक हो रहा था। इसके बाद मार्कस अपने फ्रेंड्स के साथ ऑडिशन देने के लिए जाता है। उनका परफॉर्मेंस मार्कस की वजह से बिगड़ गया। उसके फ्रेंड्स उसे नाराज हो गए और वहां से चले जाते हैं। इसके बाद थोड़ा सा टाइम बीत जाता है और मार्कस के बैंड को फिर से ऑडिशन देने के लिए कहते हैं। जजेस को उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा लगा। इसके बाद मार्कस अपना खुद का एक ऑनलाइन शॉपिंग साइट ओपन करता है। वो टी शर्ट स्पोर्ट्स की चीजें जो भी सेल कर रहा था ये बहुत ही जल्दी जल्दी सेल हो रहे थे। सारी बातें मार्कस वॉइस मैसेज के थ्रू साशा को बताता है पर साशा को कोई भी रिप्लाई नहीं आता। इसके बाद मार्कस साशा को ढूंढने के लिए उसके रेस्टोरेंट में जाता है पर वो वहां पर नहीं थी। इसके बाद वो वेरोनिका से मिला। वेरोनिका के ऑफिस में अपने प्रोडक्ट्स देखता है जो साशा ने ऑर्डर किए थे और वो बहुत सारे थे। इसका मतलब ये साइट की सारी चीजें साशा ने ऑर्डर की थी। या उसे रियलाइज होता है कि साशा अब भी उसे प्यार करती है। वेरोनिका अब उसे न्यूयॉर्क जाने के लिए कहती है। साशा जरा मीडिया में बिजी थी और उसके साथ मॉम और डैड भी थे। उसके पेरेंट्स ने कभी भी उसे टाइम नहीं दिया था पर अब वो उसके साथ थे। मार्कस सारे लोगों के बीच में से साशा के पास आता है। उसे कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसे जैसा कहेगी वो वैसा ही करेगा। उसके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता है। ये सुनकर साशा उसे किस कर लेती है। इसके बाद वो दोनों रेस्टोरेंट में आते हैं जिसे साशा ने बनाया हुआ था। उसे और एक रेस्टोरेंट बताती है जो उस रेस्टोरेंट के अंदर ही था। वहां पर घर जैसा खाना मिलता था। साशा उसे वो सूप बनाकर दिखा